नगर पंचायत करसोग के सभी सदस्य, महिला मंडल और समाज सेवियों ने शुक्रवार को प्रमुख बाजार में जागरूकता रैली निकाली। उन्होंने सभी व्यापारियों को बताया कि बहुत जल्द करसोग के कूड़े कचरे के निपटारे की व्यवस्था होने जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी व्यापारी वर्ग को भी स्वच्छता के लिए अपना बहुमूल्य सहयोग देने के लिए आगे आना चाहिए। इस अवसर पर तहसीलदार तथा नगर पंचायत के सचिव संजीत शर्मा व नगर पंचायत उपाध्यक्ष ममता गुप्ता के नेतृत्व में जोरदार रैली का आयोजन किया गया। वहीं नगर पंचायत कार्यालय से बस अड्डा करसोग तक रैली निकाली गई, जिसमें तहसीलदार संजीत शर्मा, नगर पंचायत उपाध्यक्ष ममता गुप्ता सहित सभी नगर पंचायत के सदस्यों ने जागरूकता की अलख जगाई। नगर पंचायत करसोग में पॉलीथिन हटाओ पर्यावरण बचाओ का जो आज हमने अभियान छेड़ा है, इसमें व्यापारी मंडल से विनम्र निवेदन किया गया है कि सब अपना पॉलीथिन जो है बोरियों में इकट्ठा करके रखें और इधर उधर सड़क और नालियों में ना फेंके। इसके लिए हम बहुत जल्द ही सुनिश्चित तरीके से इसका हल निकालेंगे और जिन सभी महिलाओं ने हमारा इस रैली में सहयोग किया है उन सब का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। नगर पंचायत करसोग में प्लास्टिक और पॉलीथीन उन्मूलन के तहत जो अपील जारी की गई है, जो एक अभियान छेड़ा गया है, आज उसकी शुरुआत विधिवत रूप से हो गई है और मैं सभी से इस अभियान में सहयोग की उम्मीद करता हूँ। विशेषतः हमारे व्यापारी वर्ग से, व्यापार मंडल ने हमें सहयोग की दिलाई है और साथ ही मैं इसमें धन्यवाद करता हूँ अपने महिला मंडल का और जितनी भी महिलाओं ने और बाकी जितने भी सदस्यों ने, खासकर चेयरमैन का और बाकी नगर पंचायत सदस्यों का, जिन्होंने इस अभियान को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए करसोग से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स डाबर आमला हेयर ऑयल मिस हिमाचल 2019। अविवाहित युवतियों के लिए एक सुनहरा मौका अपनी प्रतिभा को दिखाने का। भाग लीजिए ऑडिशन में, जल्द आ रहे हैं आपके शहर। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल और फेसबुक पर मिस हिमाचल का पेज लाइक करना ना भूलें।